ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दर्शकों, हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक समय से इस वृक्ष को पूजनीय स्थान प्राप्त है। बरगद पेड़ को अक्षय वट भी कहा जाता है। इस पेड़ का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान रहते हैं। बरगद के पेड़ को बहुत ही पवित्र और देव शक्ति से युक्त माना जाता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में कई मौकों पर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी बरगद के पेड़ से जुड़े कुछ चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं। यदि आप मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं तो मेहनत के साथ ही आपको बरगद के पेड़ से जुड़े इन उपायों को जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। यदि आपको लगातार बिजनेस में नुकसान हो रहा है या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है तो बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सारे काम बनने लगते हैं। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो रविवार के दिन बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखें और इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ज्योतिषी के अनुसार ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। यदि आप अपने व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन बरगद के तने पर हल्दी और केसर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रतिदिन शाम के समय बरगद के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से घर में कलह खत्म होती है, साथ ही यदि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी बंद हो जाते हैं। यदि आपको हमेशा डर लगता है या फिर कोई मानसिक तनाव में है तो ऐसे लोगों को बरगद के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे भय खत्म होता है और मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है। और यदि आपके घर में कोई काफ़ी लंबे समय से बीमार है तो रात को उसके तकिए के नीचे बरगद की जड़ रख दें। ऐसा करने से उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। दर्शकों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को घंटे आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।